अंग्रेज़ों ने जब देश पर राज किया था उस दौरान कई स्वतंत्रता सेनानी आए थे और उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। उस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ना देने के लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग जेल बनाई और काले पानी तक की सज़ा दी गई। उसी सिलसिले में एक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में एक ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर जोधपुर में होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर प्रताड़ना देने के लिए लाया गया और यहाँ पर प्रताड़ना देने के लिए उनको इस तरह ऐसी स्थिति में रखा जाता जो कि ज़मीन से बहुत ऊपर है और जोधपुर के माचे सफारी पार्क के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई करीब 30 स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको माना जा रहा था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कि ये बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी है जो इनके फॉलोवर बहुत ज़्यादा है और उनकी ताकत को कम करने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ से जोधपुर जेल से उठाकर यहाँ पर लाया गया। और 1942 से लगाकर 1943 तक जैसे 8 महीने तक करीब 30 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ रखा गया और भयंकर खतरनाक वाली जैसे कहा जा सकता है उस तरह की प्रताड़ना दी गई। और ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ने के बाद आज़ादी तो मिल गई लेकिन आज इस जेल को ऐतिहासिक जगह बनाकर तस्वीरें जिस तरह से लटकी हुई आप देख रहे हैं कि ये सरकार कहीं आई कहीं गई लेकिन इनके सम्मान में कहीं ना कहीं कोई फर्क है। जिस तरह से आप तस्वीरों को देख रहे हैं और इस जगह को देख रहे हैं और इस जगह में प्रताड़ना का एक दूसरा रूप इतना भयानक था कि इनके कोई मिलने वाले आते थे तो कई किलोमीटर पैदल चल के आते थे तो करीब यहाँ से 10 फुट की दूरी पर छोटी छोटी ये झरोके बना रखे हैं। उस झरोके उस पार वो खड़े रहते थे और वहाँ से कुछ बोलते थे तो सुनते थे और ये बात करने के बाद वो यहाँ से जा सकते थे। ये हर किसी को मिलने नहीं दिया जाता था क्योंकि ये वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो जोधपुर में स्वतंत्र देश को आज़ादी दिलाने के लिए अलगाव जगा रहे थे और इनके इतने फॉलोवर थे जिनको रोकने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने ये काम किया था। और ये आज प्रताड़ना की स्थिति में ये गुजरे हुए हैं जो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास जुड़ा हुआ है उस इतिहास के सामने एक बड़ा समस्या ये है कि यहाँ पर कई सरकारें आई कई गई लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सरकार को एक कदम आगे बढ़ाते हुए ऐसा भी करना चाहिए कि यहाँ पर जो भी ये आने वाले युवाओं के लिए स्टूडेंट के लिए खोलना चाहिए और पता लगे कि जोधपुर में भी स्वतंत्रता सेनानी थे और यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा प्रताड़ना झेली थी। उन प्रताड़ना झेलने के बाद अब तो वो नहीं रहे लेकिन उनकी तस्वीरें आज भी गवाह है उस आज़ादी के लिए जिसने देश को आज़ादी दिलाई है। जोधपुर के माचा सफारी पार्क के अंदर बने माचा किले में एबीपी न्यूज करणपुरी जोधपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।